मौसम माशाल्लाह इतना खुल गया ना कि आप तो फैन लगा के ना बंदा सहन वाश कर सकता है। रोड ना जाएगी, ठीक है, व्लॉग बनाते बनाते चाय ना रुड़ जाए। इस वजह से पहला मुझे नहीं पता एक इधर था और एक इधर, और ये मैंने लगा ली अपने फेस के ऊपर। अब फुल नाइट ये लगी रहेगी, अगर लगी रही। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, संडे मुबारक आप सबको। और आज का मज़ेदार व्लॉग होगा जो फुल डे करूँगी रूटीन में, आप लोगों को बताऊँगी कि संडे पहले आप उनसे मिल ले, कह दो ना हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, ठीक हो? दोस्तों वो है जी ठीक ठाक। तो मैंने किचन अभी नीट कर लिया है, बस रह गया है झाड़ू, तो मैं झाड़ू फेर लूँ, बाकी सारा दिन जो काम करूँगी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा कहीं नहीं। किचन मैंने सुबह सुबह ही नीट कर लिया, फिर अब ये है कि जिसने जो नाश्ता करना होगा ना, संडे वाले दिन नाश्ता हमारा बाहर से आता है तो फिर बना के दे देंगे। किचन आपका नीट है ना तो सारा घर ही आपका नीट है। मौसम माशाल्लाह इतना खुल गया ना कि आप तो फ़ैन लगा के ना बंदा सहन वाश कर सकता है। मैं तो फ़ैन लगाया और फ़ैन लगा के आराम से सारा सहन वाश किया तो फिर तसल्ली हुई है। धूप निकलना शुरू हो गई है और फीलिंग आनी शुरू हो गई है गर्मी की, ठीक है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मई जून वाली अभी नहीं है। और कहते हैं ना बंदा किसी हाल के नाल होश भी नहीं, सर्दी पड़ती थी तो याला धूप निकल आए, धूप निकली है तो अब बिल्कुल गर्मी वाली फीलिंग है। सॉक्स उतारी हुई है और स्वीटर भी उतारा है, सारे सेहन को अच्छी तरह वाश की है। और हमारे घर संडे को ना हमेशा नाश्ता आता है बाहर से, फिर जो जो उठता जाता है ना बड़ा इजी होता है तो उसको बना बना के देते जाएं। अक्सर आते हैं चने नान या हलवा पूरी हो तो इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो इधर बन रहा है जी नाश्ता। और कौन कौन जोन सा है वो नान को फ्राई करके खाता है, तो इधर मैं कर रही हूँ फ्राई नान, ठीक है। और नान भी होना चाहिए कड़क का, हर एक का ना अपना अपना टेस्ट है कि नान कड़क का होना चाहिए। लाडो जा रही है जी डस्टबिन में कूड़ा फेंकने के लिए। इधर नान तो फ्राई हो रहा है, फ्राई करना भी एक एक आर्ट है, ये हैं कड़क सा होना चाहिए। इधर मैं साथ ही चाय बना ली, आगे मैं फ्राई करूँगी चने, ये पड़े हुए हैं तो फिर नाश्ता बना के मिलते हैं आपसे। संडे हो या मंडे रोज़ खाए अंडे, कौन कौन ये इंडिया की ये वाली का मुश्किल देखता होता था, तो आजकल भी यही हिसाब है। समझ नहीं आ रही अंडे खाने से पहले कि जितनी गर्मी हो गई है अंडे खाने हैं कि नहीं। वो भाई रोड ना जाइए, ठीक है, व्लॉग बनाते बनाते चाय ना रुड़ जाए आपसे। कौन अल्लाह माफ़ करे, अस्ता फिर अल्लाह जी चाय ना नाश्ता असी कर लिया है, सिर्फ तू तो हनी रह गया। हनी नाश्ता ले लो, ये है दही एग फ्राई, वो है जी मिख वाले चने, साथ है गाजर का हलवा, साथ है चाय और नान है फ्राई, माशा अल्लाह। हनी हनी आओ पापा के साथ नाश्ता कर लो, हम उन्हें नहीं पता कि मगरिब का टाइम हो गया है और अजानें हो गई हैं माशाल्लाह, और हवा चलनी शुरू हो गई है, मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है ना, ये वो वाले मौसम आ गया है, रात को रातें ठंडी और दिन गर्म, और सारा दिन बहुत खूब धूप रही है। अब करेंगे जी पर्दे आगे क्योंकि जाए ना ठंड अंदर। और इधर मैंने की लगाया हुआ इसके ऊपर ना, इसको मैं बांध देती हूँ तो भी ये हिलता है। शामी बनाती, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी लिंक, ये इसको दाल को सेपरेट से मैं बना के इसको पीस के रख रही हूँ, और जो चिकन है ना उसको मैंने ऐसे श्रेड कर लिया, लेकिन दोनों को चीज़ों को मैंने इकट्ठे ही बॉयल किया था। तो अच्छा जी ये सारा बन गया, इसके अंदर सारा ऐड होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या कहते हैं चिकन, और ये है धनिया और हरी मिर्च, और अब इसको हम करेंगे अपने हाथों की मदद से रलाई मलाई, ठीक है। और रलाई मलाई करने के बाद इसकी टिकिया बना के मैं इसको फ्रीज़र कर लूँगी। तो चलो
ये लें जी शामी कबाब, माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और मैं इसकी लेयर्स लगाती जाती हूँ और साथ इसके साथ प्लास्टिक कवर की जो सर रैप करती जाती हूँ। ठीक है, अब इसको लगाते हैं फ्रीज़र में। इतने टू मच रश, अगर ऐसे मैं कहती हूँ सर पे ना आप मुक्के मारें फिर आपके चाचू सही हो जाएंगे। ये रोज़ की एक एक आइसक्रीम खा के क्या कहते हैं पार्टी चेंज करने वाली औरत। जोर से मुक्के मारे ना फिर सही हो जाएगा। पता कैसे करना है? ऐसे ऐसे। अच्छा, तुम्हारी सारी समझ है, हमारी ऐसे नहीं समझ है। मेरे सर को करोगी फिर? करते हैं जैसे वैसे ऐसे ऐसे। लाडली मेरा सर पे करोगी? नहीं, मैं आपको पी पी चाचू अच्छा लगता है? क्यों घर से पी? ये देख मत पी को छुड़ाने लगी। गंदे दोनों, पी भी गंदा तुम भी गंदी, पी भी गंदा तुम भी गंदी। रोज एक आइसक्रीम के पीछे क्या कहते हैं पार्टी चेंज करने वाली लड़की। ए जैसे आइसक्रीम का गंद डाला ना मेरे रूम में, उठा तो निकल दी वो। चल ले लो। गंदी बची। हेलो, यह तेल मेरा है, ठीक हो गया? 600 रुपये पाव मिलता भाई साहब, और तुसी रज रज के ला रही हो। किसका बचाओ? कह दो ना हेलो दोस्तों, मैं चाचू का बच्चा बता दो। हेलो दोस्तों, मैं भी चाचू का बच्चा। चल ठीक है, सही है, तुम लौट आओ। तुम लौट आओ, बाजी कह रही है। चलो जी, हमसे नहीं ये होते काम, ना आइसक्रीम हमसे खिलाई जाती है और ना हमसे गिफ्ट दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी व्यूअर्स, ये है नाइट टाइम और अब मैं करने लगी थी सोने की तैयारी। तो मैं आपको एक बात शेयर करती जाऊं, अगर आपके फेस के ऊपर किसी तरह के भी फ्रैकल्स हैं, छोटे छोटे किसी किस्म के भी दाग धब्बे हैं, तो ये जो स्टिलमंस फ्रैकल क्रीम है, लेकिन होनी चाहिए ये असली, ठीक है, किसी भी मेडिकल स्टोर में, स्पेशली मैं क्लिनिक से ले लेती हूँ, तो ये आप ले कर इस्तेमाल करें, ये बहुत बेस्ट है। इसकी मैं तस्वीर बना लूँ साथ ही, ये इतनी बेस्ट है ना कि यकीन माने कि आपको ओल्ड पटांग चीज़ें लगाने की फेस पे ज़रूरत ही नहीं है। जितनी भी रेमेडीज़ आप यूज़ करें, होम रेमेडीज़ यूज़ किया करें, और डे टाइम लगानी हो तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो अल्लाह ने वैसे हुसन दिया है, या नूरों पड़ा करें, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आपको बनाया हुआ है, तो आपको पुठी सीधी क्रीम में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने लगाई है जी अपने फेस पर क्रीम, कैसे दिखाऊँ दूसरा कैमरा करूँ। अच्छा जी, इधर था मुझे एक दाग सा, पता नहीं कैसे पड़ गए, किस वजह से पड़ा मुझे नहीं पता, एक इधर था और एक इधर, और ये मैंने लगा ली अपने फेस के ऊपर। अब फुल नाइट ये लगी रहेगी, अगर लगी रही, अदरवाइज मुझे आदत है फेस के ऊपर हाई एंड ड्रग केस होने की, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप भी, आपने तो अभी तो वैसे बजे हैं 9, तो फिर देखते हैं रात तक क्या होता है। इतना सा मेरा व्लॉग था, खुश रहे, शाद रहे, बाद रहे, मुस्कुराते हुए रहे, और मैं छिपालू की तरह गंदा सा फेस लग रहा है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।